राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 27 फरवरी को राज्यसभा के चुनाव हैं। बीजेपी की ओर से घोषित किए गए नाम में उज्जैन के वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर बाल योगी उमेश नाथ महाराज का नाम भी शामिल किया गया है। बाल योगी उमेश नाथ महाराज को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। महाराज को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की सूचना जैसे ही उज्जैन में लगी, वैसे ही वाल्मीकि धाम पर जश्न का माहौल हो गया। महाराज जी के भक्तों ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। भगवान महाकाल की कृपा है और अवंतिका के प्रत्येक नागरिक जो यहाँ निवास करते हैं, उन सबका ये सौभाग्य है कि अवंतिका से मैं समझता हूँ कि अवंतिका के इतिहास में शायद पहली बार किसी संत को वहाँ पर पहुँचाया गया है। तो अवंतिका का सौभाग्य भी है और संत समाज का आशीर्वाद भी है। मैं समस्त संत महात्माओं की ओर से माननीय मोदी जी को आशीर्वाद देता हूं और उनका जो सोच है तो वो ऊंची सोच और ऊंचा विचार, इन समस्त भावनाओं को मैं आदरपूर्ण रूप से मैं समझता हूं और मैं अपने जीवन में स्वयं भी उसको साथ लेके चलता हूं। ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत व्यवस्थित है, सटीक है और इसको पूर्ण रूप से समझने के साथ मन वचन कर्म से इसको इस काम को करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सब लोगों को आशीर्वाद है, सब लोग प्रसन्न रहो। गुरुवार को चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करने की आखिरी तारीख है, इसलिए बुधवार को नाम के ऐलान की घोषणा की गई है। धर्म और अध्यात्म से जुड़े बाल योगी उमेश नाथ महाराज का राजनीति से भी काफी गहरा नाता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार में इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था और वो इन्हें अपना गुरु मानते थे। कांग्रेस के साथ ही बाल योगी उमेश नाथ महाराज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी जुड़े रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत हों या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो भी धार्मिक नगरी उज्जैन आया है संत श्री से मिले बिना वापस नहीं लौटा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उनके वाल्मीकि धाम जाने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारण से वो महाराज जी का आशीर्वाद लेने नहीं जा सके थे। सिंहस्थ के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब उज्जैन आए थे तो उन्होंने वाल्मीकि धाम पर ही बाल योगी उमेश नाथ महाराज और अन्य संतों के साथ समरसता का स्नान किया था और समाज को एक नया संदेश दिया था। बाल योगी उमेश नाथ महाराज मध्य प्रदेश के एकमात्र संत हैं जिन्हें श्री राम मंदिर के भूमि पूजन का निमंत्रण मिला था और वो धूमधाम से समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे।